लोगों का आरोप है कि बाराती पक्ष के पहले से ही उनका विवाद है और विवाद के कारण ही जानबूझकर बारात सवार बस से उनकी कार पर टक्कर मारी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए दोनों को थाने पर ले जाकर पूछताछ में जुट गई है। बताया जाता है कि दोनों ही पक्ष एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, वह आपस में एक दूसरे से पहले से रंजिश रखते हैं। फिलहाल मौके पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है व इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक साथ दो घरों के चिराग बुझा दिए। यह हादसा गाजियाबाद के गरिमा गार्डन इलाके में हुआ। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग जख्मी हो गए हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक शमशाद मदरसे के तीन छात्रों सुफियान, शाहिद और चांद के साथ गाजियाबाद के गरिमा गार्डन इलाके में किसी से मिलने आए थे। दोपहर के वक्त बाइक पर सवार होकर ये सभी लोग दिल्ली लौट रहे थे। वजीराबाद रोड पर दिल्ली की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद डाला। इस दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय सुफियान और 12 वर्षीय शाहिद की मौत हो गई, जबकि शमशाद और चांद घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के लिए जिम्मेदार ड्राइवर अभी फरार है। 3 साल की अवोध बालिका के साथ गांव के 15 साल के लड़के ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। दिल्ली में हुए लड़की के साथ बलात्कार के बाद बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली। इस मामले पर प्रदेश व केंद्र सरकार अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आज फिर खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 3 साल की अवोध बालिका के साथ गांव के ही 15 वर्ष के लड़के ने अपने हवस का शिकार बना डाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित लड़की को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रेल मार्ग पर स्थित सूर्यगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से नाराज ग्रामीण कांग्रेसी नेताओं के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता रामबहाल पाठक की अगुवाई में ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रेल मार्ग पर खुंडौर और चिलबिला रेलवे स्टेशन के बीच सूर्यगढ़ रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने से नाराज ग्रामीण कांग्रेसियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामबाल पाठक का कहना है कि जब तक रेलवे क्रॉसिंग को बहाल नहीं किया जाता आमरण अनशन जारी रहेगा। बता दें कि सूर्यगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से तकरीबन 50 गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। 4 माह पहले अचानक रेल विभाग ने लोहे की रॉड और खम्भे लगाकर क्रॉसिंग को बंद कर दिया। इससे ग्रामीणों को दिक्कतें हुई और उनको अब शहर मुख्यालय आने के लिए तकरीबन 30 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। यही नहीं, 2 माह पहले स्कूली वाहन के गांव में न जा पाने की वजह से नाराज छात्रों ने रेल पटरी पर ही अपनी पाठशाला लगा दी थी। 50 गांव से अधिक ग्रामीण इस रेलवे क्रॉसिंग से प्रभावित हैं। इस रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से जहां ग्रामीणों के आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही हैं, वहीं छात्रों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। 2 माह पहले स्कूली छात्रों ने रेल पटरी पर ही अपनी क्लास लगा दी थी, लेकिन आज तक रेल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवती के साथ बलात्कार नहीं कर पाने के बाद एक दरिंदे ने उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव हर्रायपुर की रहने वाली एक युवती के साथ गांव के ही रहने वाले प्रमोद ने बलात्कार का प्रयास किया और असफल होने पर युवती को आग लगा दी, जिसके बाद युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस समय पर एक्शन लेती तो शायद आज युवती जिंदा होती। कानपुर में पंजाब पुलिस ने कानपुर पुलिस के साथ पंजाब से नाबालिग लड़की को भगाकर लाने वाले आरोपी और लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर नजीराबाद थाने की पुलिस और पंजाब से आई पुलिस ने अशोक नगर से आरोपी राजेश के साथ नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया।
पंजाब पुलिस की माने तो 13 अप्रैल को आरोपी राजेश पंजाब से नाबालिग लड़की को भगाकर लाया था। वहीं राजेश का कहना है कि नाबालिग लड़की से वह प्यार करता है और उसने शादी कर ली है और वह उसे भगाकर नहीं लाया, बल्कि नाबालिग लड़की खुद ही पंजाब से भागकर उसके पास आई थी। वहीं नाबालिग लड़की के भाई इराज का कहना है कि आरोपी राजेश उसकी नाबालिग बहन को भगाकर उसे बेचने जा रहा था। वहीं नाबालिग लड़की के भाई ने कानपुर पुलिस पर रिश्वत लेकर के आरोपी के साथ पकड़े गए लोगों को छोड़ने की बात कह रहा है। फिल्मी जिन्होंने बाकी छोरों को बना दिया स्टार, और गोरी हीरोइनों को कलाकार, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, स्टोरी जिसने ऑडियंस को खुद से जोड़ा। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया, संगीत जिसने पैदा किया डांस, घी जिसने सिखाया रोमांस। क्या बोलती तू, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। जी हाँ, हमारे साथ कीजिए इंडियन सिनेमा को सॉलिड 100 सलाम। देखिए बेमिसाल 100 साल एंटरटेनमेंट प्लस में दोपहर 12:30 और शाम 6:30 सिर्फ समाचार तक पर। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? राहुल गांधी, गांधी परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनका अब तक का राजनीतिक जीवन जो रहा है उसको देखते हुए आप कैसे आकलन करेंगे? मैं राहुल गांधी के बारे में, वो हमारे भतीजे के बराबर हैं, उनके बारे में किसी के नाम लेके बिना ही राजनीति के बारे में कहूंगा, क्योंकि व्यक्ति को राजनीति से जोड़ना ये तो बात का काम है। इस समय तो ये एक विचारधारा कि इसके क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ क्यों गई? जितनी पार्टियां पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी आज हैं, उनका मुख्य धारा तो कांग्रेस रही है। आपकी नजर से कांग्रेस को और क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने के लिए, फिर से ताकतवर होने के लिए? ये अनुभव केवल कांग्रेस के ही लिए नहीं है, ये राजनीतिक अनुभव यहाँ की राजनीति को विकासोन्परक विकासमुखी बनाने का है। नारायण दत्त तिवारी जी और समाजवादी पार्टी में बहुत निकटता आ रही है। नजदीक तो हम हर विकास के मामले में हैं। मुलायम सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, अखिलेश भतीजे के बराबर हैं, तो हमारा तो व्यक्तिगत संबंध इस नाते का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हमारी जिंदगी का एक के मकसद सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद जी।
से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 और रविवार सुबह 10:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चौरासी दंगे के एक मामले में सज्जन कुमार को बरी कर कड़ुमा कोर्ट ने कैंट दंगे में किया बरी, सज्जन कुमार पर फेंका गया जूता। और पेट्रोल 3 रुपए हुआ सस्ता, लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 74 पैसे, आज रात से ही नई कीमतें लागू। और सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, फंसी सरकार सीबीआई शर्मसार। कोल ब्लॉक आवंटन पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में रेल और आम बजट पास, बीजेपी ने लोकसभा से किया वॉकआउट। उत्तराखंड निकाय चुनावों में हुई बीजेपी की बल्ले बल्ले, 6 में से 3 नगर निगमों में जीती बीजेपी। बलात्कारियों के आगे बेबस हुआ उत्तर प्रदेश, पीलीभीत में रेप में नाकाम होने पर वहशी शख्स ने लड़की को जलाया जिंदा, कल शामली में भी रेप में नाकाम होने पर छात्रा को किया था आग के हवाले। जौनपुर में सपा विधायक श्रद्धा यादव की बस ने 2 लोगों की ली जान, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मामला दबाने का आरोप, जमकर किया हंगामा, पुलिस की गाड़ी और रोडवेज बस में लगाई आग। गोरखपुर में लाठीचार्ज में घायल 6 जल सत्याग्रहियों को पुलिस ने भेजा जेल, कमरिया घाट पर पुल के लिए कर रहे थे जल सत्याग्रह। और पाक जेल में हमले के बाद सरबजीत की हालत बदतर, ब्रेन डेड के बाद वेंटिलेटर से सरबजीत को हटाने की तैयारी, वापस लौटेगा परिवार। और सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी को मिली राहत की। आम आदमी के लिए राहत की खबर है, तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। घटी हुई कीमतें मंगलवार आधी रात से लागू होंगी। कीमतों में इस कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल 70 रुपए 74 पैसे हो जाएगा। पिछले 5 साल में पेट्रोल के दाम में यह सबसे बड़ी एकमुश्त कटौती हुई है। पेट्रोल के दाम स्थानीय बिक्री कर या वैट के आधार पर अलग अलग शहरों में अलग अलग होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर पेट्रोल के दाम में की गई इस कटौती से पहले लगातार 3 बार कटौती की जा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां हर पखवाड़े दरों में संशोधन करती हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने 16 अप्रैल को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। उन्नीस सिख दंगा मामले के आरोपी सज्जन कुमार को कड़कड़ुमा कोर्ट ने बरी कर दिया। फैसला आने के बाद दंगा पीड़ित लोगों ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया। उनतीस साल पहले माओ की आंखों से आंसुओं की धार बही थी और 29 साल बाद आज फिर आंखें नम हो गईं।
29 साल पहले माओ ने बेटे खोए थे, बच्चे यतीम हुए थे, सुहागनों की मांग सुनी हुई थी, विधवाओं ने सामूहिक विलाप किया था और विलाप अब भी जारी है इंसाफ की आस में। बूढ़ी होती आंखों में इंसाफ की आस थी, न्याय मिल ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन महिलाओं के मुताबिक इंसाफ एक बार फिर गच्चा दे गया। दंगे के मुख्य